जिस घोटाले से हुआ देश में तख्ता पलट, जिसे कहा गया देश का सबसे बड़ा घोटाला, क्या वो 2G घोटाला कभी हुआ ही नहीं? सीबीआई अदालत से बरी हुए सभी 17 आरोपी, 2G मोबाइल नेटवर्क बांटने में नहीं हुई गड़बड़ी, 1,76,000 करोड़ का घोटाला सिर्फ हवा हवाई था। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। जी हां, देश के सबसे बड़े घोटाले पर कल जो फैसला आया है उससे पूरे देश की सियासत में सनसनी फैल गई है। 1,76,000 करोड़ रुपए के इस मामले में सभी 17 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। जांच एजेंसी सीबीआई आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाई कोर्ट में, और इस फैसले ने आरुषि मर्डर केस की याद ताजा कर दी। कत्ल तो हुआ लेकिन कातिल कौन, ये पता नहीं चला अब तक। ऐसे ही घोटाला तो हुआ पर घोटालेबाज कौन, अब तक इसका भी कोई पता नहीं चला। और वो गिनती के हिसाब से नहीं है, लाखों करोड़ों में लिखते गए, 0-0-0 करते जाओगे तो जनपद तक पहुंचोगे तब भी फिगर पूरा नहीं होता है। मोदी ने कुछ इसी अंदाज में यूपीए सरकार पर 2G घोटाले को लेकर हमला बोला था। 2014 के लोकसभा के चुनाव में इसे सबसे बड़ा हथियार बनाया था। एक लाख 76,000 करोड़, देश में पहली बार इतनी बड़ी रकम के घोटाले की खबर सामने आई। नवंबर 2010 में सीएजी की रिपोर्ट के बाद सामने आए इस बड़े घोटाले से देश की राजनीति हिल गई। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा बरी, डीएम के सांसद कणिमोझी बरी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बल्बा बरी, फिल्म प्रोड्यूसर करीम मोरानी बरी, पूर्व टेलीकॉम सेक्रेटरी सिद्धार्थ बेहुरा बरी। ये नामी गिरामी हस्तियां देश का सबसे बड़ा घोटाला कहे जा रहे 2G घोटाले में बाइज्जत बरी कर दी गई हैं। 2G नेटवर्क यानी मोबाइल नेटवर्क की दूसरी पीढ़ी, जिसके आने के बाद बहुत सारी चीजें आसान हो गई थी। इसी 2G मोबाइल नेटवर्क के लाइसेंस जब बांटे गए तो आरोप लगा सबसे बड़े घोटाले का। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया, और इससे देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। काफी हंगामे के बाद 2G लाइसेंस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। ए राजा, कणिमोझी और शाहिद बल्वा समेत कई आरोपी जेल गए। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन 7 साल बाद दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले ने सबको चौंका दिया। 2G मामले के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। सरकारी पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा। दिल्ली के पटियाला हाउस में विशेष अदालत में ए राजा, कणिमोझी के अलावा शाहिद बल्बा, करीम मोरानी समेत सारे आरोपी मौजूद थे। The entire case is cooked up. The entire case is having no basis. Because we're all happy. I mean, it's been a very difficult experience, and it was an emotional loss. फैसले के पेज नंबर 1544 में जज ओपी सैनी ने लिखा है, 7 साल से मैं काम के सभी दिन सुबह 10 से 5 बजे तक कोर्ट में बैठता था कि कोई तो सबूत लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आया। इससे पता चलता है कि हर कोई अफवाह, सुनी सुनाई बातों, अटकलों पर अपना नजरिया बना रहा था, लेकिन सुनी सुनाई बातों की कानून की प्रक्रिया में कोई जगह नहीं होती। मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पढ़ने के बाद अदालत ने SR मामले में फैसला पढ़ा और उसमें भी सबको बरी कर दिया। जज ओपी सैनी ने पेज नंबर 1550 और 1551 में लिखा है, इस केस की जड़ में ए राजा की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती है जितनी कि दूसरों की बनती है। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस साजिश के जनक ए राजा हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, साजिश रची है या भ्रष्टाचार किया है। ए राजा 2010 में डीएमके के कोटे से यूपीए सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे। उन पर आरोप लगे कि पद का दुरुपयोग किया, रिश्वत लेकर पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया।
2001 की कीमतों पर 2008 में स्पेक्ट्रम बेचा, नीलामी में नियमों की जानबूझकर अनदेखी की, देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान कराया। डीएमके चीफ करुणानिधि की बेटी कणिमोची पर लगे आरोप भी देखिए। उन पर आरोप थे कि ए राजा के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम घोटाला किया, स्पेक्ट्रम दिलाने के बदले 200 करोड़ की रिश्वत ली, डीबी रियलिटी के मालिक शाहिद बलवा से रिश्वत ली, अपने टीवी चैनल कलाइंगर टीवी के लिए 200 करोड़ लिए। लेकिन ये आरोप अदालत में साबित नहीं हो सके और अब सब आरोपी आजाद हैं। जांच एजेंसियां जिन गवाहों के बयान के आधार पर खुद को शेर साबित कर रही थी, उसके वही गवाह कोर्ट के सामने कागजी शेर साबित हो गए और इसके साथ ही जांच एजेंसियों की जांच पर एक बड़ा सवालिया निशान भी लग गया। अब सीबीआई और ईडी दोनों ही स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि क्या देश का ये सबसे बड़ा घोटाला, जिसे कहा जा रहा था टेलीकॉम का, ये कभी हुआ ही नहीं था। 2G घोटाले ने मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाकर रख दिया था। अब आरोपियों के बरी होने पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं कि कांग्रेस इस फैसले को अपना सम्मान पत्र ना समझे। I think the court's judgment has to be respected, and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. The allegation of a major scam involving the highest levels of government was never true, was not correct. And that has been established today. जिसके आधार पर हम वहां से यहां गए और ये वहां है, वो 1,76,000 करोड़ 2G का घोटाला, ये आज साबित कर दे कहां गया वो। 2G घोटाले पर सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का ये बयान कांग्रेस का वो दर्द है जो 2014 से पार्टी के हर नेता को हो रहा है। विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया जिसकी वजह से आज वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, ये स्कैम जो था ये विपक्ष का स्कैम था, झूठ का स्कैम। जो 2G घोटाला 2014 में कांग्रेस की सत्ता जाने का एक बहुत बड़ा कारण बना, उस पर आज सीबीआई कोर्ट का फैसला क्या आया, कांग्रेस को जैसे संजीवनी मिल गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल तक सब ये कहते हुए सामने आ गए कि हम तो पहले ही कहते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी है कि अभी ये मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस बौखला गई है, वो चुनाव में हार रही है और उसको भी विजय मान रही है। अब जिसे सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन घोषित करके सारे लाइसेंसेस रद्द किए, इसमें काहे का विजय है? कांग्रेस तिनके का सहारा ढूंढ रही है, वो मिलेगा नहीं। जो 2G मामले में वर्डिक्ट आया है, कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे वक्तव्य दे रहा है जैसे कोई सम्मान पत्र उसको मिल गया हो। साफ है कोर्ट के फैसले के बाद भी 2G का मामला भी ठंडा नहीं पड़ने वाला, इस पर कानूनी से लेकर राजनीतिक लड़ाई तक जारी रहेगी। दिल्ली से अंकित गुप्ता, निपुण साइकिल के साथ गौरव श्रीवास्तव और प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।